शहर की ताजा खबरें देखने के लिए इनबीसीएन न्यूज को यूट्यूब पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। कोरोना संक्रमण की इस विपदा में पुलिस विभाग सहित डॉक्टरों, प्रशासकीय कर्मियों सहित बैंकिंग सेक्टर, विभिन्न पत्र संस्थाओं के कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कईयों को सरकार की ओर से बीमा संरक्षण कवर मुहैया किया गया, जबकि पत्र संस्थाओं के अधिकारी और कर्मचारी वर्ग के प्रति सरकार का रुख सौतेला साबित हो रहा है। दिग्रस की विभिन्न पत्र संस्थाओं में कार्यरत अधिकारी और कर्मचारियों ने इस संदर्भ में इनबीसीएन से अपनी समस्याओं को साझा किया है। इन दिनों कोरोना के खिलाफ प्रशासकीय स्तर पर जारी जंग में पुलिस विभाग, तहसील नगर पालिका, महानगर पालिका, स्वास्थ्य विभाग, सरकारी अस्पताल आदि विभागों के अधिकारी और कर्मचारी मुस्तैदी के साथ अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं, जिन्हें आजकल हम कोरोना योद्धा के नाम से जानते हैं। बैंकिंग सेक्टर भी इसमें पीछे नहीं है। खास तौर से गरीब मजदूर पेशा तथा मध्यम वर्गीय सहित छोटे व्यापारियों के लिए आसान शर्तों पर बैंकिंग सेवा प्रदान करने वाली पत संस्थाएं भी कोरोना संक्रमण के कठिन दौर में बढ़ चढ़ कर अपना योगदान दे रही है। बावजूद इसके इन पत संस्थाओं में काम कर रहे कर्मचारियों को सरकार की ओर से ना किसी बीमा कवर का संरक्षण है, ना ही उन्हें सरकारी स्तर पर कोरोना के संदर्भ में जारी परिपत्रक के मार्गदर्शक दिशा निर्देशों में शामिल किया जा रहा है। पत संस्थेमधील जे आर्थिक व्यवहार असतात ते फार म्हणजे मध्यमवर्गीय आणि मोलमजूर या व्यवस्थेमध्ये आम्हाला काम करावं लागतं आणि या व्यवस्थेमध्ये जे आमचे कर्मचारी असतात किंवा आमचे दैनिक ठेव अभिकर्ता ज्याला आपण आर डी एजंट म्हणतो, खरं तर त्यांच्याकडे जे खाते असतात 100-150 खाते प्रत्येक एजंटकडे आहे, ते आपल्या पोटमजुरीसाठी दरोदार फिरत असतात। खरं पाहता तर त्यांना कशाचंही संरक्षण नाही आहे आणि पतसंस्थेमधील कर्मचाऱ्यांनाही कोणतं विमा संरक्षण नाही आहे आणि मध्यमवर्गीय असल्याकारणाने सर्व काही समजून घ्यावं लागतं, म्हणजे जे शुद्ध लोकांना सांगावं लागतं त्याला आम्हाला दुप्पट त्यांच्याशी प्रयत्न करावा लागतो बोलताना, तर ह्या अडचणी आहेच। आणि खरं आम्ही अर्थव्यवस्था सांभाळताना ते तालुका वर्गापर्यंत आम्ही पोचतो, ग्रामीण जे सोने तारण आहे, मोलमजुरी करणारे लोक आहे, अडीअडचणी असतात, तर ह्या सर्व बाबीकडे लक्ष देताना पाहिजे तसं आम्हाला तर काही मार्गदर्शन नाहीच आहे। परिपत्रक येतात, परिपत्रकामध्ये साधं पतसंस्थेचं नावसुद्धा नसतं, बँकांना इतर काही मोठ्या व्यवस्थेंना ते मानपान देतात पण कधी साधी एक ओळ त्यांना टाका वाटत नाही की बा पतसंस्थेच्या या कोरोनाच्याबद्दल कशी म्हणजे कसं काय व्यवस्था करायला पाहिजे, कधीही मार्गदर्शन झालेलं नाही आहे, ही थोडी खंत वाटते। पतसंस्थाओं के कर्मचारी, कैशियर, आरडी एजेंट भी अपने ग्राहकों को सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और आए दिनों लोगों के संपर्क में रहकर उन्हें आर्थिक व्यवहार में सहयोग देते हैं। एक तरह से वे देश की अर्थव्यवस्था को बनाए रखने में अहम किरदार निभा रहे हैं। कोरोना संक्रमण के इस दौर में भी ये कर्मचारी बगैर किसी बीमा कवर के निरंतर रूप से डटे हैं। उन्हें लगता है कि सरकार अन्य विभाग कर्मचारियों की तरह ही उनके जोखिम की भी परवाह करे। से शासन ने पुलिस अधिकारी हो या डॉक्टर्स हो, इन्हें 50 लाख का बीमा का संरक्षण दिया हुआ है, पर जो हम स्वास्थ्य के जो कर्मचारी है इसे किसी तरह का संरक्षण अभी तक नहीं मिला है। तो हमारी यही विनती है प्रशासन से कि हमारा भी किसी तरह का बीमा निकाला जाए, हमें भी संरक्षण दिया जाए, क्योंकि हम भी हमारा घर बार बाल बच्चे छोड़ के इस लॉकडाउन के पीरियड में निरंतर सेवा देते आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह से सरकार की तरफ से हमारा किसी तरह का चर्चा ना होती है, ना किसी तरह का हमारा सम्मान होता है, ना हमें किसी तरह से कोरोना वॉरियर के ग्रुप में हमें डाला जाता है, हमें हमेशा उपेक्षित की तरह से देखा जाता है बैंक कर्मचारियों को। तो हमारी एक मांगनी है कि हमारा भी बीमा के हमें संरक्षण दिया जाए। बँकांनी जे सर्विस प्रोवाइड केलेली आहे ते म्हणजे ग्रामीण क्षेत्रातल्या आणि शहरी विभागातल्या लोकांना कोरोना काळातसुद्धा चांगल्या प्रकारे सेवा देऊन आपल्या या संस्थे आपल्या या देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये चांगल्या मोठ्या प्रमाणात हातभार लावलेला आहे असं मला वाटते। त्याकरिता मी विनंती करतो सरकारला की आम्ही जे अपेक्षित आम्हाला ठेवण्यात आलेलं आहे त्यांनी आमच्याकडे थोडंसं या गोष्टीकडे लक्ष देऊन आमच्या सुद्धा समस्या सोडवाव्या। सारा देश इन दिनों बिकट घड़ी से गुजर रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब और सैलरी की कटौती, उद्योगों की दयनीय स्थिति आदि के संदर्भ में देश की अर्थव्यवस्था को लेकर आए दिनों तमाम तरह की जानकारी और चौंकाने वाली बातों से हम रूबरू हो रहे हैं।
ऐसे में पथ संस्थाओं द्वारा दी जा रही सेवा का देशी अर्थव्यवस्था के दृष्टिकोण से अहम योगदान है। ऐसे में बकौल पथ संस्था कर्मचारियों के अन्य सरकारी विभागों के साथ ही पथ संस्था कर्मियों को भी सम्मान के साथ बीमा संरक्षण सहित जरूरी सहयोग प्रदान किया जाए। NBCN न्यूज के लिए जुबैर खान की रिपोर्ट।